दुनिया के सबसे खतरनाक टूरिस्ट प्लेस। दोस्तों, खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोग डर नाम की किसी चीज़ को नहीं जानते। ऐसे वैसे डरावनी जगहों पर जाना उनका पैशन बन गया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही 5 डरावने और ख़तरनाक पर्यटक स्थानों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको बेहद आश्चर्य होगा। नंबर 1, दोस्तों, चाइना वालों को आजकल अनोखे शीशे के पुल बनाने का खुमार सा चढ़ा हुआ है। चाइना अपने देश में ऐसे कई पुलों का निर्माण कर चुका है जिस पर चढ़कर नीचे देखने पर अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। पर आज हम आपके लिए इन सभी पुलों से ऊंचा पुल लाए हैं जो 200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिस पर चढ़कर लोग खुद को खतरों का खिलाड़ी समझते हैं। भले ही यहाँ चढ़ने वालों के लिए सेफ्टी बैंड लगी हुई होती है, पर यहाँ चढ़ना एक बहुत बुरे अनुभव से कम नहीं है। वैसे मेरी तो ये राय है, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आप इस जगह पर कभी भी ना जाएं, वरना आपके लिए बहुत बुरा अनुभव हो सकता है। नंबर 2, अगर आपने कभी सुपरमैन की तरह उड़ने का सपना देखा हो तो यूके की इस जिप वर्ल्ड बेली सिटी में चले जाएं, जहां आप फिल्मों के सुपरमैन की तरह उड़ने का आनंद ले सकते हैं। दरअसल आपको एक सेफ्टी बेल्ट लगाकर नीचे धकेल दिया जाता है। बेल्ट के साथ साथ आपको चश्मा और हेलमेट भी पहनाया जाता है। अगर आप चश्मा ना पहनने की गलती करते हैं तो आपकी आँखों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से नीचे आते समय आपकी रफ्तार 60 किलोमीटर भी जा सकती है। ये राइडिंग 2 मिनट तक चलती है, जो अपने आप में एक बेहद रोमांचकारी अनुभव देके जाती है। नंबर 3, दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, खतरनाक जगहों पर घूमने वालों ने ज्वालामुखी तक को नहीं छोड़ा है। कुछ लोगों ने एक्टिव ज्वालामुखी पर जाकर बोर्ड से फिसलने को एक स्पोर्ट बना लिया है। इसको वोल्केनो बोर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये लोग ज्वालामुखी पर चढ़कर इस तरह से फिसलने का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नीचे आते समय इनकी रफ्तार कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। वैसे तो इस राइडिंग में अभी तक किसी को चोट नहीं आ पाई है, पर मुंह नाक में मिट्टी जाना एक मामूली सी बात है। नंबर 4, दोस्तों, जो लोग अपनी लाइफ में बेहद खतरनाक और तूफानी करना चाहते हैं तो चाइना का ये हुसैन पहाड़ आपके लिए है। यहाँ अनेकों देश के लोग खुद का इम्तहान लेने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि अगर आपने अकेले इस पहाड़ पर पूरी चढ़ाई चढ़ ली तो आप डर नाम के शब्द को भूल जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ जाने की बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा। नंबर 5, नॉर्वे का ट्रोल तुंगा एक ऐसा पत्थर है जो कि दुनिया भर के टूरिस्ट को अपनी तरफ आकर्षक करता है। और ऐसा क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इसको देखकर लगा सकते हैं। नॉर्वे का ये पहाड़ 80 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि अपने आप में एक डरावना दृश्य है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पहुँचने के लिए कोई रोड या कोई यात्रा का साधन नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए टूरिस्ट को 8 से 10 घंटे की पहाड़ की चढ़ाई करनी पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। खबरों की मानो तो यहाँ हर साल कोई ना कोई हादसा होता रहता है। दोस्तों, अगर मुझे यहाँ जाने का मौका मिले तो मैं यहाँ पर कभी नहीं जाऊँगा, हम तो डरपोक ही सही हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।